Hey guys, thanks for tuning in back to DNA Vlogs, and this will be part 2. I couldn't continue this in the previous video where I showed all the accessories and mods in my bike because it was becoming too long, बहुत लंबा video हो रहा था. So that is the reason why मैं ये part 2 एक separate video डाल रहा हूँ. And in this one we will talk about all the maintenance that you can do during the lockdown. जो घर बैठे आप जो भी कर सकते हैं वो मैं चीज़ें आपको अभी बताऊँगा. सो जो लोग लॉकडाउन में बाइक यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, यू नो दोज़ आर नॉट वर्किंग फॉर एसेंशियल सर्विसेज वगैरह वगैरह वगैरह, नो घर पे बैठना पड़ रहा है एंड बाइक यूज़ नहीं हो रही है, तो उनके लिए छोटे मोटे टिप्स रहेंगे फॉर हाउ टू कीप द बाइक इंटैक्ट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. द वेरी फर्स्ट पार्ट विल बी, अब मेरे पास 3 बाइक्स है घर पे, इनफैक्ट अभी इस टाइम पे मेरे पास 4 बाइक्स है एंड आई हैव गॉट 1 कार ऑल्सो. सो उधर एक वेरी कॉर्नर में एक डोमिनार खड़ी है उधर, and then that's my TRK, and then this is my Dominar, वो भी एक Dominar है, and then मेरी कार है, and then this RTR is also there. सबसे नया फ्लीट में ये मेरी RTR है, and I like to take more care of this. So beginning with it, you know, you should start the bike every 3 to 7 days. Start it and idling पे रख दो. अगर आपके पास बड़ा compound नहीं है गाड़ी चलाने को, if you can't step out, गाड़ी आइडलिंग पे रख के यू नो यू कैन लेट इट वार्म अप. दिस विल मेक श्योर ऑल दी पार्ट्स, मैक्सिमम पार्ट्स एक्सेप्ट फॉर द गियर्स एंड चेन आर इन मूवमेंट एंड वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे. एंड सेकेंडली आपकी बैटरी चार्ज रहेगी. स्टार्ट करने के बाद डोंट रेव, पूरा रेव मत करो. रेविंग अप टू 3000 RPM, 4000 RPM इज़ फाइन, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है बैटरी चार्ज करने के लिए फुल रेव करके बैठते हैं, वो नहीं करना है. दैट विल डैमेज योर इंजन, वो नहीं करना है. आइडलिंग पे रख के यू नो स्लाइट RPM, स्लाइट थ्रॉटल देते रहो, विच विल कीप द बैटरी इन चार्ज एंड इंटैक्ट. ओके, ये हर 4 दिन में, 5 दिन में या एक हफ्ते भर में एक बार सैटरडे संडे को नीचे उतर के यू नो यू शुड वार्म अप योर बाइक. दिस विल कीप द इंजन ऑयल रोलिंग एंड ऑल एंड योर बैटरी बीइंग चार्ज्ड एंड ऑल. If you can take it out for a spin, you know, in your society compound and all, मेरे पास काफ़ी बड़ी सोसाइटी है तो I do that. तो उसको वो करेंगे तो और भी अच्छा है, so that your और gears and all are rolling, your chain is rolling. अगर chain roll नहीं होती है तो there are chances that you know your chain जो front part है और ये जो rear part है जहाँ पे you know the chain bends, all the link जहाँ पे bend होते हैं, this you know if it is dry and rusted, वो चेन एक ही जगह पे लॉक हो जाएगी एंड वो आपको कटर 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 एक टाइप का आवाज़ शुरू हो जाता है. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट इफ़ यू कैन यू नो, अपने पास तो मेन स्टैंड भी है RTR पे, सो व्हाट अदर थिंग यू कैन डू इज पुट द बाइक इन, पुट इट ऑन द मेन स्टैंड एंड पुट इट ऑन द सेकेंड गियर एंड लेट द चेन रोल अ बिट. ज़्यादा रोल नहीं करना है, थोड़ा सा रोल करना है, उसको रेव नहीं करना है. आप सीधा सिर्फ क्लच छोड़ दोगे तो यार बाइक इज गोइंग टू, योर टायर इज गोइंग टू रोल. सो दिस विल एंश्योर दैट योर चेन इज नॉट गेटिंग लॉक्ड एट वन प्लेस. सो दिस विल एंश्योर दैट योर लिंक्स आर नॉट गेटिंग लॉक्ड इन वन प्लेस. ओके, ये हो गया एक पार्ट. अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ऑयल ऑल द मूविंग पार्ट्स एंड कीप सो दैट दे डोंट कैच रस्ट और दे डोंट गेट जैम्ड. अब उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट पार्ट इज द मेन पार्ट इज द चेन इटसेल्फ, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया. ड्राई नहीं होना चाहिए चेन एंड पूरा वेट होना चाहिए. सो यू कैन यूज़ एनी वेट ल्यूब दैट यू हैव एट होम. आई यूज़ KSPL या फिर यू नो आपके पास अगर पुराना ऑयल है तो आप पुराना ऑयल टूथब्रश से भी लगा सकते हैं बाइक पे एंड चेन को ल्यूब करके रख दो. सो अगर आपके पास चेन ल्यूब नहीं है तो यू कैन टेक अ ओल्ड टूथब्रश एंड ये पुराना ऑयल लेके यू नो यू कैन जस्ट चेन को वेट कर दो. चेन ड्राई नहीं होनी चाहिए and this will make sure that your o-rings and all are you know wet always when standing also and wo dry ho ke toot nahi jayenge, break nahi honge ya fir cracks nahi develop honge and this way your chain will last really really long. Ideally chain clean and lube you should be doing once a month, at least chain clean kar leni chahiye and lube every 2 weeks and 500 kilometers whichever is earlier. अगर 500 किलोमीटर जल्दी हो रहे हैं तो जल्दी ल्यूब करो, अगर 500 किलोमीटर जल्दी नहीं हो रहे हैं तो जस्ट ल्यूब इट एवरी 2 वीक्स. और रेनी सीजन में वगैरह या फिर आपको लगे उसके पहले भी चेन ड्राई हो रही है तो जल्दी कर लो. इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू यूज ओल्ड ऑयल, यू कैन परचेज 90 नंबर गियर ऑयल, यू कैन परचेज गुड चेन ल्यूब्स एंड डू इट
don't use WD-40 to lube. WD-40 you can use to clean, but not for lubing. Apart from the chain, you have to lube also all other moving parts. So jaise ki ye side stand ka, you know, your this part is there, your bolt part, your spring joints, in sabko bhi lube kar lo. Lube this part also. Aap dekh rahe hain ki meri chain almost, mere side stand wagera ekdam gande hain, because I always lube them, and so that they don't get, you know, rust pakad ke ya fir dry hoke, they don't break in between ya fir toot nahi jaye kahin pe. So this will ensure longer life of them. Sorry, I ran out of lube and ghar pe mere paas ye Benelli ka dusra wala tha. So use any thin lube, you know, which can penetrate inside the between two metals and all, and keep your bike intact. ओके, ऐसे पतले वाले ल्यूब्स यूज़ करो, सो दैट योर लीवर्स एंड जहाँ पे भी जॉइंट्स है, ऑल रिमेन्स गुड. सम पीपल से यू शुड नॉट ल्यूब दीज, बट आई हैव अ बिलीव दैट आई शुड ल्यूब दीज, एंड माई लीवर्स एंड ल्यूब्स, ऑल माई बाइक्स लीवर्स हैव लास्टेड रियली रियली लॉन्ग, विच हैज बीन, यू नो, ल्यूबिंग देम फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम. मैंने अभी सिर्फ ऊपर के पार्ट्स करते हुए बताया, बट आपको नीचे के साइड से सब जगह से उसको ल्यूब करना है. एंड नाउ वी ल्यूब दी, इफ यू हैव, इफ योर बाइक हैज केबल्स, देन यू हैव टू ल्यूब द केबल जॉइंट्स टू. सो जैसे कि अपना ये माउथ होता है, ये भी ल्यूब करना है, एंड दिस जॉइंट, ये जो यहाँ पे जो भी जॉइंट्स होते हैं सबको ल्यूब करना है, सो दैट दे डोंट स्टार्ट रस्टिंग और डोंट ब्रेक ऑल ऑफ अ सडन बीच में, and they have longer life. So for me this has been working really really well for all my bikes so far, and main ye karte rehta hu. So ye ho gaya clutch ka part, and then you have your brake levers for air brake. To isko bhi lube karte rehna so that it doesn't rust and all, and all this extra lube jo girta hai, make sure you clean it out so that your parts are not damaged overall. I mean your paint is not damaged. Make sure you clean everything out. Excess lube bhi aap clean kar dete hain. Okay, and so thus jo aapka extra lube hai wo aapke haath pe wagera na lage. Sab acche se clean kar do sab jagah pe after lubing. तो ये तो सब हो गया कि ल्यूब करके कैसे रखना है वगैरह, अगर बाइक लॉकडाउन में ज़्यादा दिन खड़ी रहने वाली है. नाउ सपोज यू नॉट वॉन्ट टू यूज इट, श्योरली आप निकाल ही नहीं सकते हो गाड़ी बाहर, एंड गाड़ी ऐसी खड़ी रहनी है, तो स्टार्ट वगैरह तो करना है, ल्यूब करके भी रखना है. दूसरा, मेक श्योर यू पैक इट ऑन द मेन स्टैंड सो दैट बोथ दी टायर्स हैव मच लेस प्रेशर ऑन देम, इन द सेंस उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए. अगर टायर्स पे प्रेशर आता है तो टायर्स यूजली बल्ज एट दैट लोकेशन, usually in these bikes, and it happens more in bigger cc bikes. छोटे cc bikes में कम होता है, but ऐसे बड़े गाड़ियों में बहुत ज़्यादा होता है. तो if you see, हमारे पास main stand नहीं होता है बड़े गाड़ियों में, तो उस position पर जहाँ पर tire rest होता है वहाँ पर flat हो जाता है या फिर bulge हो जाता है. okay, so if you have a main stand, park it on the main stand and then you keep it rolling. secondly, टायर प्रेशर मेंटेन करके रखना है. यूजली बाइक्स पे स्टिकर्स होते हैं विच आइडेंटिफाई यू, नो, आपको बता देते हैं कि कितना टायर प्रेशर होना चाहिए कौन से बाइक पे. तो अपने RTR पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 25 PSI फ्रंट एंड रेयर इफ सिंगल सीट, एंड 28 एट द सिंगल सीट एट द रेयर, एंड अगर आप पिलियन के साथ ट्रैवल करते हैं तो इट इज 25 फ्रंट एंड 32 एट द रेयर. तो आई यूजली कीप इट एट 25 एंड 30 when even if I am not using the bike, उतना टायर प्रेशर मैं मेंटेन करता हूँ बाइक में, सो दैट टायर्स डोंट डिफ्लेट एंड दे डोंट फॉर्म क्रैक्स. हवा भर के रखना है उसमें. और एक मेजर प्रॉब्लम है कि बाइक के वायरिंग को संभाल के रखना. अगर आपके एरिया में चूहे रोडेंट्स वगैरह बहुत हैं तो मेक श्योर यू वॉश योर बाइक एंड कीप उसको एकदम साफ सुथरा क्लीन करके रखें. अब मेरे यहाँ पे रोडेंट्स का ज़्यादा इशू नहीं है, बट अगर आपके वहाँ पे वो है तो मेक श्योर यू कीप इट एंड कीप इट क्लीन एंड देन पार्क इट. हो सके तो बाइक ढक के रखो, कवर करके रखो, एंड ऑल्सो मेक श्योर वे यू पार्क दी बाइक उस वो जगह एकदम साफ़ सुथरी हो. अगर उस जगह पे गंदगी होगी, मिट्टी वगैरह होगी,
तो रोडेंट्स आर लाइकली टू विजिट दैट, कैट्स आर लाइकली टू विजिट दैट, आगे पीछे करके करके वहाँ पे सब जमा होंगे एंड दे विल क्लाइंब अप योर बाइक एंड दे विल स्टार्ट च्यूइंग एंड बाइटिंग रबर्स एंड ऑल. तो वो ना हो इसलिए मेक श्योर एवरीथिंग इज क्लीन्ड एंड केप्ट. रोडेंट्स चूहों से बचने के लिए यू कैन ऑल्सो डू वन मोर थिंग, यू कैन बाय तंबाकू के पुड़ी वगैरह जो आते हैं, तंबाकू के पैकेट्स, यू कैन कीप वन नियर द इंजन. आप यहाँ पे पैक कहीं पे रख सकते हो सो दैट उसका स्मेल आते रहे सब जगह. एंड सेकेंड यू कैन कीप इट इज अंडर द सीट वन, कहाँ पे तो बीच में रख सकते हैं, तो यू नो वन टूवर्ड्स द ना एकदम इस साइड पे ना एकदम इस साइड पे, सो दैट व्हेन द रैट्स एंटर आई थिंक दे रन अवे फ्रॉम दैट स्मेल ऑफ तंबाकू एंड ऑल. यू ऑल्सो गेट रैट रिपेलेंट्स, तो वो भी आप रख सकते हैं टू प्रोटेक्ट ऑल योर इलेक्ट्रिकल्स. सो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर कुछ पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, अगर आप इससे ज़्यादा कुछ और अलग कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दो सो दैट एनीवन एल्स हु इज़ कमिंग टू द वीडियो कैन ऑल्सो फॉलो दैट. यू नो जो भी मेरे वीडियो पे आ रहे हैं वो कमेंट्स पढ़ के कुछ मैंने अगर मिस किया है तो वो जो आप फॉलो कर रहे हैं दे कैन ऑल्सो फॉलो दैट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो. कुछ भी अगर पसंद आ गया हो तो लाइक करो और शेयर करना ज़रूर ना भूलिएगा. Myself and I stay. I'm a pretty boss, look on my shit bright white. I'm a freak in the sheets, but I got class.